बेटा खाना लगा दूं क्या? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं बस चाय पीऊं। चलो ठीक है। समझ नहीं आ रहा यार, जब से शादी हुई है जिंदगी अजाब हो गई है भाई। ये तो शादी करने से पहले सोचना था मेरे दोस्त। मुझे वदीमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका बाप हाथ धो के पीछे पड़ गया हमारे यहाँ। मुझे तो पहले दिन से पता था उसका बाप है ही नफ्सियाती। तुझे ना पहले से तैयार रहना चाहिए था इस सब के लिए। अरे पता नहीं क्या मुसीबत है यार, उसका बाप चाहता क्या है, कोई इज्जत तक कैसे जा सकते है? मेरी समझ नहीं आता, मैं कैसे समझाऊं उसे। सालार, दोस्त होने के नाते तुझे एक मशवरा दूं। और मैं यहाँ क्यों आया हुआ? देख, मुझे लगता है तुझे ना फतिमा के बाप से एक बार आराम से सुकून से बात करनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उम्र निकल जाएगी, तो कहां तक पेशियां भुगतता रहेगा वदीमा के साथ। तो मैं कितनी बार बात करूं, कितनी बार मिलूं उससे जाके, इस बार मैं वदीमा के साथ भी जाके मिल गया। अब और नया क्या बताएगा वो मुझे, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनने ही नहीं चाहता कुछ। फिर तो तेरा अल्लाह ही हाफिज है मेरे भाई। मुझे अपनी फिक्र नहीं है यार, वदीमा बहुत एहसास है, वो अपने माँ बाप को मनाना चाहती है, चाहती है हमारी सुना हो जाए। लेकिन पता नहीं उसका बाप क्या चाहता। वदीमा हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू हो गई, बस उसकी परेशानी नहीं देखी जाती। मैं सब और ख्याल रखता हूँ यार, ऊपर से ये सारा शहर हम दोनों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे हमने उनके घर में कोई चोरी की हो, जैसे हम कुछ लेके भाग गए उनके घर से। अच्छा अच्छा, तू अपने गुस्से को कंट्रोल में रख और भाभी का ख्याल रख। और लोगों का क्या है यार, उनको तो टॉपिक चाहिए बात करने के लिए। आज तू है, कल कोई और होगा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रिलैक्स कर, मैं चाय लेकर आता हूँ।